अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंतजार टेक्निकल सॉल्यूशन। ये मेरे दोस्तों, ये हमारे पास एक 575 वाट का लोंगी कंपनी का हाइमो 6X6 पैनल है। आज हम इसको लाइव चेक करेंगे इस मीटर की मदद से कि इसके वोल्टेज कितने हैं, इसकी करंट कितनी है और इस पैनल की क्या खसूसियात हैं, ये हमें कितनी आउटपुट देता है। आज हम इसको लाइव धूप में चेक करते हैं, इसकी क्या खसूसियात हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या इसकी डाटा, ये कितनी हमें आउटपुट देगा। ये फ्रेंड्स, वीडियो के मेन पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले मेरे लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल इंतजार टेक्निकल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें, साथ से वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सोलर रिलेटेड नई से नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलो जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी मेरे दोस्तों, ये 575 वाट का लोंगी कंपनी का हाइमो X6 पैनल है, ठीक है। इस पैनल की खसूसियात ये है, मेन जो इस पैनल की बात है ये वाली है कि ये एंटी डस्ट प्रूफ है। यानी कि एंटी डस्ट प्रूफ का मतलब ये है कि इसके साइडों पे जो है ना वो मिट्टी नहीं जमती। ये जो साइडें हैं ना इसकी, इधर इसकी जो है ना वो मिट्टी वगैरह नहीं जमेगी। ये वाला पैनल जो है ना, ये टेक्नोलॉजी है इस पैनल की, खास बात ये है। जिस तरह हम दूसरी जो कंपनीज है, कैनेडियन सोलर है, जिनको है, ये जिस तरह हमारे पास ये आगे पैनल है, ये जिनको कंपनी का पैनल है, जिस तरह ये वाला, ये भी इस तरह एन टाइप पैनल है। इसकी साइडों पे जो है ये वाली टेक्नोलॉजी जो मैंने आपके लोंगी की बताई है, ये वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं। इसकी साइडों पे डस्ट वगैरह आ सकती है, जिससे इसकी आउटपुट, इसकी जो है ना लाइफ कम भी हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन ये लोंगी का पैनल है, ये 575 वाट का पैनल है। इसकी मेन ये बात है, ये न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू लोंगी कंपनी ने ये वाला पैनल लॉन्च किया है। अभी हम बाहर जाके इसको चेक करते हैं इस मीटर की मदद से, इसके वोल्टेज और करंट कितनी है। जी फ्रेंड्स, अभी हम इस पैनल को धूप में लेके आ चुके हैं, अभी हम इसको लाइव चेक करने वाले हैं। टाइम जो हुआ है, टाइम 10:30 बजे का टाइम है जो अभी हम इसको लाइव चेक करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपको इसकी डाटा शीट के बारे में बता दूँ कि इसकी डाटा शीट के ऊपर इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन दी हुई है। ये इसकी डाटा शीट है जी, ये आप चेक कर सकते हैं। रेटेड मैक्सिमम पावर इसकी है 575 वाट, वोल्टेज मैक्सिमम है इसके 43.91 वोल्ट है, करंट मैक्सिमम करंट इसकी है 13.10 एम्पीयर, ओपन सर्किट वोल्टेज इसके हैं 52.06 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट है 14.14 एम्पीयर। ये थी इसकी डाटा शीट। अभी हम इस मीटर की मदद से इसको चेक करने वाले हैं जी। ये इसका एक एम्पीयर मीटर, इसकी मदद से हम इसकी लाइव टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आपने इसकी सिलेक्शन करनी है वोल्टेज के ऊपर, डीसी वोल्ट सबसे पहले हम इस पैनल के चेक करते हैं। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है इस पैनल का, ठीक है। इसको हमने इस वायर की मदद से इसके अंदर लगा दिया है, ठीक है। और ये इस पैनल का नेगेटिव पॉइंट है। इस दोनों के साथ हम इसके वोल्टेज, सबसे पहले वोल्टेज चेक करते हैं जी। अपने पास एक वायर है, ठीक है, ये वाली वायर है। वायर का एक सिरा आपने यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, इसके साथ। और वायर का जो दूसरा सिरा है, ठीक है, इसको आपने इस मीटर के एक पॉइंट की तरफ आपने लगा देना है, इधर लगा देना है, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट को आपने यहाँ पे लगा देना है इसके साथ, ठीक है। और मीटर का जो नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट का मीटर और ये पैनल के नेगेटिव पॉइंट के ऊपर आपने लगाना है यहाँ पे, ठीक है। ये इसके साथ हम लगाते हैं जी। इसको मैंने लगा दिया, अभी इसके वोल्ट चेक करें जी। 48 वोल्ट है, 48 वोल्ट डीसी है जी। इसके वोल्टेज 48.0 वोल्ट डीसी है, 47.9 वोल्ट आ रहे हैं अभी इस टाइम, ठीक है। 10:30 बजे का टाइम है इसके वोल्टेज। अभी हम इसकी लाइव करंट चेक करने वाले हैं, इसकी लाइव करंट कितनी है। अच्छा, सबसे पहले आपने इसकी करंट चेक करने के लिए आपने क्या करना है, इसकी वायर को आपने यहाँ पे लगा दिया हुआ है, जैसा कि हमने पहले ही लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद वायर का ये नेगेटिव पॉइंट है इस पैनल का, इससे नेगेटिव पॉइंट के साथ वायर का आपने दूसरा सिरा आपने यहाँ पे लगाना है। उससे पहले आपने इसकी सिलेक्शन एम्पीयर के ऊपर करनी है, ये वाली एम्पीयर के ऊपर ऑलरेडी सिलेक्शन की हुई है। और इसके बाद इसको जीरो तो आपने कर दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए आपने इसके साथ शार्ट करना है और इसकी करंट वगैरह चेक करनी है, ठीक है। ये हमने लगा दिया, ये देखिए 13.63 एम्पीयर, ठीक है। ये इस पैनल की डीसी करंट है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आपने लगाना, ये थी इसकी करंट। और अभी मैं आपको इसकी आपका वोल्टेज, इसकी पावर बताता हूँ कि इसी पैनल हमें कितने आउटपुट दे रहा है, ठीक है। ये वाला पैनल की एफिशिएंसी निकालने के लिए आपने क्या करना है, इसकी करंट को 13.6 को मल्टीप्लाई करना है 48 के साथ, ठीक है। 652 वाट का, ये 652 वाट दे रहा है इस टाइम ये वाला पैनल, ठीक है। 48 वोल्ट को आपने इसकी करंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी मैं एक दफ़ा दोबारा भी आपको चेक करा देता हूँ इसकी करंट, ठीक है, ठीक है। ये वाला देखें जी, इसको हम दोबारा चेक करते हैं जी। ये लगा दिया हमने, देखिए 13.70 एम्पीयर, ठीक है। ये है इसकी करंट और इसके वोल्टेज वगैरह मैंने आपको पहले चेक करा दिए हैं, ठीक है।
तो ये थी इसकी एफिशिएंसी, बहुत ही हैवी किस्म का ये वाला लोंगी का हाइमो X6 पैनल है जी। फ्रेंड्स ये थी इस पैनल की एफिशिएंसी जो कि मैंने आपको चेक करा दी है, ये दे रहा है 650 वाट ये अभी दे रहा है इस टाइम, तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है। ये लोंगी का हाइमो X6 पैनल है, ये इसकी मुकम्मल एफिशिएंसी थी। पीक पे ये वाला पैनल आपको 650 वाट देगा ये वाला पैनल। नेक्स्ट हम चेक करने वाले हैं इसको, जिनको के पैनल को चेक करने वाले हैं, जिनको की एफिशिएंसी, जिनको का पैनल हमें कितनी आउटपुट देता है, वोल्टेज करंट कितनी है, कितने वाट देता है। जी फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल आइडियाज़ को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।